हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है हॉर्स रील, हॉर्स एंड इट्स फंक्शन, इनके बारे में। ठीक है, तो जो फायर टेंडर होते हैं उसमें हॉर्स रील का क्या यूज़ होता है और लैडर और फायर इक्विपमेंट का क्या यूज़ होता है, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा ब्रीफ नहीं किया था मैंने, थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया था इनके बारे में, तो आज मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, हॉर्स रील का क्या वर्क होता है। हॉर्स रील जो है वो इसमें फिक्स्ड रहती है पहली चीज़ तो, और वाटर कनेक्ट भी रहती है। तो जब तक आप हॉर्स पाइप निकाल के उसमें कनेक्ट करोगे वाटर सप्लाई में, उससे पहले आप हॉर्स रील से वर्क स्टार्ट कर भी सकते हो, है ना, आप बुझाना शुरू कर देते हो। पर क्या दिक्कत आती है कि हॉर्स रील से जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, पर हॉर्स पाइप से क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होती है और उससे ज़्यादा वाटर वहाँ से डिस्चार्ज होता है ना। तो यही इसमें बस डिफरेंस रहता है, और बाकी ये फिक्स्ड रहती है। और हॉर्स ये फिक्स्ड रहती है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो हमारा टैंक है या जो भी है उसमें अगर वाटर जो है वो ख़त्म हो गया है, तो हम हॉर्स रील को कहीं भी नहीं ले जाके उसे दोबारा कनेक्ट कर सकते, पर हम हॉर्स पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉर्स रील जो है ये भी बहुत ही बेनिफिट्स देती है हमें। जब भी हमें फायर एक्सटिंग्यूश करना होता है, आग बुझानी होती है, तो हम इस तरीके से इसे हेल्प में ले सकते हैं। तो जैसे कि हॉर्स रील जो रहती है इसका डायामीटर भी बहुत कम रहता है हॉर्स पाइप के डायामीटर से। तो बेसिकली इसमें यही एक चीज़ रहती है कि इसका वाटर डिस्चार्ज हॉर्स पाइप के अगर हॉर्स पाइप से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन इसका कम रहता है ना। बाकी जब तक आप भाई अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अपना सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, हॉर्स पाइप कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ तक ले जा रहे हैं, उसको रिले कर रहे हैं, तो तब तक हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड है, सब कुछ इसमें कनेक्ट है। बस इससे हमें जो इसका एंड पार्ट है उसे लेके रन करना है, और जहाँ भी आग लगी है उस पर एम कर देना है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप जल्दी से एक्सटिंग्विशिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक आग बुझाने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं तब तक के लिए, है ना। बाकी ये भी बेनिफिट्स इसके भी हैं अलग ही, पर हॉर्स पाइप जो है वो ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज देता है, और उसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में भी वाटर आप गेन कर पाते हैं, तो वो भी बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हॉर्स रील की कि हम हॉर्स रील को क्यों यूज़ में लेते हैं, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं। तो हॉर्स रील का जो बेसिक यूज़ है वो यही है कि आप उसे जल्दी से जल्दी, उसमें कुछ कनेक्ट नहीं करना होता, ऑलरेडी कनेक्टेड रहती है, फिक्स रहती है, और ये फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में भी ये फिक्स्ड रहती है। ठीक है, जो फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन रहता है ना, जहाँ वहाँ ये रहता है। ठीक है, फिक्स्ड फायर फाइटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर ये उसी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे लैडर एंड फायर इक्विपमेंट के बारे में। तो देखिए, लैडर जो है वो इस तरीके से आपको दिखती है। ठीक है, लैडर जो इसका क्या मेन पर्पज़ रहता है कि आप ताकि जो सेकंड फ्लोर या उससे थर्ड फ्लोर तक हैं, वहाँ उतनी हाई राइज बिल्डिंग है, तो आप ईज़ीली उस तक पहुँच सकें। ठीक है, तो इससे क्या रहता है बेनिफिट, अगर आप जब आग लगी तो स्टेयर्स का यूज़ तो नहीं कर सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, तो आपको यही तो करेंगे ना कि आप स्टेयर से ना जाके आप लैडर का यूज़ करके उस बिल्डिंग तक, उस बिल्डिंग के उस फ्लोर तक पहुंच सके और आग बुझा सके, है ना। तो ये यूज़ इसी के लिए आती है लैडर, कि आप इजीली उस फ्लोर तक पहुँच सकें जहाँ पर कोई फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए फायरमैन को भी ट्रेंड किया जाता है कि वो कैसे वन मैन कैरी और टू मैन कैरी करें, और इंसानों की जो भी वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान बचा सकें। ठीक है, तो इसीलिए फायरमैन को ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बाकी इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए जो हमारे इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि नोज़ल हो गया, ठीक है, कपलिंग हो गई, और भी स्टैनर हो गया, और भी छोटे छोटे से मटेरियल जो रहते हैं, एक्सटिंग्विशर्स भी उसमें रहते हैं मे बी। ठीक है, तो कुछ जो इक्विपमेंट रहते हैं हमारे, तो वो कैसे कैसे हम उसमें अटैच जो भी हमें करना होता है इक्विपमेंट को, तो इक्विपमेंट आप जब यूज़ करना चाहते हैं तो वो सारे इक्विपमेंट भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना। फायरमैन एक्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं इसमें भी, जैसे कि फायरमैन एक्स हो गया। ठीक है, उससे क्या, फायरमैन एक्स क्या होता है, जैसे कि आप कोई फायरमैन अंदर जा रहा है प्रॉक्सिमिटी सूट पहन के, अब डोर जो है वो लॉक हो गया, तो फायरमैन एक्स जो रहता है ना, उसे एक आरी के टाइप का, आरी नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एक्स टाइप की जो शेप का होता है ना,
बिल्कुल कुल्हाड़ी, सॉरी कुल्हाड़ी की तरह वो दिखता है। तो कुल्हाड़ी अगर उसमें डोर में अगर हम उसको डोर अगर लॉक है तो उससे उसकी हेल्प से हम डोर खोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे नोजल्स जितने भी टाइप के होती है, स्प्रिंकलर्स वगैरह, ये सारे इक्विपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट भी उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। हर तरीके की आपको नोज़ल मिलेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आप गेन कर सकते हैं। वो उस तरीके की नोज़ल्स भी रहती हैं, कनेक्टर्स भी इसमें रहते हैं, बीच बीच के जो कनेक्टर रहते हैं वो भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो हर तरीके का मटेरियल आपको इस तरीके से इसमें रहता है, ठीक है। तो एक जो फायर टेंडर जो रहता है ना, वो ये समझिए मतलब एक पूरी आग बुझाने के लिए बिल्कुल तैयार एक वाहन रहता है। वो कहीं भी आग लगती है, अब फायर टेंडर एक बार कॉल करते हैं तुरंत आता है और जिस भी तरीके की आग है उसको बुझाने में वो बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि देखिए, उसके अंदर आप अगर सॉलिड मटेरियल में आग नहीं लगी, किसी पेट्रोलियम प्लेस पे आग लगी है, तो उसमें फॉर्म मेकिंग ब्रांच भी रहती है कि आप फॉर्म डिस्चार्ज भी उससे ले सकते हैं ना। तो सब हर तरीके से एप्लीकेबल है ये आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो इसकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता रही हूँ, जैसे इससे पहले मैंने पोर्टेबल पम्प फायर पम्प के बारे में बताया था, आज मैंने हॉज रील और लैडर और इक्विपमेंट के बारे में आपको बताया। तो इससे यही मैं बता रही हूँ कि फायर टेंडर जो रहता है इसमें क्या क्या सिस्टम्स रहते हैं जो आग इतनी जल्दी और इतनी मतलब बुझा पाते हैं, इतनी इतना इसमें कैसे कैपेसिटी रहती है आग बुझाने की। तो ये पूरी तरीके से वेल ट्रेंड मतलब वेल मेंटेन्ड इसे किया गया है। इसमें एक एक चीज़ रखी गई है कि आग बुझाते वक्त हमें कोई चीज़ का सामना ना करना पड़े और हमारा जो आग बुझा रहे हैं हम उसे हम ही को उल्टा हार्म हो जाए। तो इसीलिए ये सारा प्रोसीजर इसमें रखा जाता है कि आप इजीली मतलब आग बुझाने का सारा सामान आपको एक जगह मिले और इतना मतलब कैपेबल हो कि हम आग बुझा पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी रहती है, ट्रेंड फायरमैन होना। तो वो भी अभी तो ये ट्रेनिंग भी बराबर होती है, ट्रेंड किया जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको फायर टेंडर के ऊपर ही बताया, हॉज रील क्या होता है और हॉज रील के बारे में, हॉज रील और उसके फंक्शन के बारे में, और लैडर और उसके बारे में, लॉडर और फायर इक्विपमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बताया। सो थैंक यू।